अधिकांश से अधिकारी, अधिकारी से महानता, ये बातें हमें आज कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मेरे जीवन में मैं उस महानता तक पहुंचूंगा क्या। यीशु मसीह ने जो कहा, जो हमने शुरुआत की थी यूहन्ना 14:12 से, कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैं करता हूं वो काम वो भी करेगा, इतना ही नहीं वरन कहता है कि मुझसे भी बड़े काम करेगा। और ये बात को हम देखते देखते हम अधीनता से महानता तक कैसे आते हैं। अधीनता हमें अधिकारी बनाता है, और वो अधिकारी क्षेत्र में जो अधिकार हमें स्वर्ग से मिलते हैं, वो अधिकार हमें महानता तक लेकर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, कुछ लोग इस लेवल पे पहुंच नहीं पाते, ये मुकाम प्राप्त नहीं कर पाते, ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। उसके पीछे का कारण अगर क्या है, तो वो कारण है उनके जीवन में समय से पहले जो जल्दबाजी करते हैं, और इसी जल्दबाजी के चलते कुछ लोग अपने कामकाज में, अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में, अपने वरिष्ठ लोगों के खिलाफ बलवा, बगावत, विद्रोह करते हुए, अपनी मनमानी करते हुए उस व्यक्ति का आदर, खुदावन का आदर, वरिष्ठों का आदर, माँ बाप का आदर, सीनियर्स का आदर ना करते हुए अपना रास्ता पकड़ते हैं। कुछ दिनों के बाद वो कहीं पर भी दिखते नहीं है, कहीं के भी रहते नहीं है। वो लेवल वो प्राप्त क्यों नहीं प्राप्त कर पाते, उस स्तर तक वो क्यों नहीं जा पाते, उसका कारण है कि ये पूरा अधीनता, ये फुल सबमिशन, ये पूरा अधीनता का जीवन हमें पूरा अधिकार देता है, और ये पूरा अधिकार हमें महानता तक लेके जाता है। आज बहुत सारे लोग, आप अगर देखोगे आपके इर्द गिर्द, ऐसे होंगे जो सेवकाई कर रहे लेकिन वो खुद भटके हुए लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे किसी का बिजनेस मार के, लेकिन आज वो उस लेवल पे नहीं आ पा रहे। मैंने सब कुछ बातें आपको बता दी है, कहां कहां पर आपको अधीनता में रहना है। खुदावन के साथ अधीन रहना मतलब वचन के अनुसार जीवन जीना, हमारे चर्च के अगवे के साथ, हमारे चरवाहे के साथ हमें अधीनता में रहना है। फिर आपका चरवा उम्र से आपसे छोटा क्यों ना हो, तो भी आपको उसकी अधीनता में रहना है। आपके घर में, रिश्ते नातों में, उसके साथ साथ स्पेशली पत्नी पति के अधीनता में, बच्चे माँ बाप के अधीनता में, और विश्वासी यीशु मसीह के भय में एक दूसरे की अधीनता में। जब ये अधीनता होती है ना, वहां पे एक यूनिटी आती है, एकता आती है, और जहां पर एकता होती है ना, वहां पर दुष्ट कुछ काम नहीं कर पाता है। ये अधीनता परिवार को एकता में लेकर आती है, ये अधीनता कलीसिया को एकता में लेकर आती है, ये अधीनता आपके नौकरी पर आपके रिश्ते नाते को एकता में लेकर आती है, ये अधीनता आपके बिजनेस में आपको, आपके रिश्ते में, आपके कॉन्टेक्स्ट में एकता में लेकर आती है। और इस अधीनता में जब ईमानदारी होती है ना, शायद दूसरे के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आपको कामयाबी थोड़ी लेट मिलेगी लेकिन बेस्ट मिलेगी। आपको थोड़ा जमाने के साथ नहीं चलना है, तो आपको खुदावन क्या चाहता है उसके अनुसार आपको चलना है। इवन जो जवान है, आपको शादी ब्याह के लिए भी आपको खुदावन पे और आपके सीनियर्स, आपके माँ बाप पर आपको डिपेंड रहना है। अभी का जो जमाना है, अभी ये कोई देखता नहीं है। हमारे शहरों में बहुत ऐसी कम शादियां होती है जहाँ पर वरिष्ठों का मन और माँ बाप का मन, कलीसिया के अगुवे का मन रखते हुए विवाह किया जाता है, बहुत कम होता है ऐसा। बहुत सारे लोग अपना जीवन साथी अपने मनमानी से चुनते, और जैसे ये फास्ट फूड का जमाना है, वैसे ही फास्ट फूड की वेडिंग्स हो रही है, और उसी के अनुसार ये लोग बहुत ही कम समय में डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट कचहरी की वो मैदान पर जाते, कोर्ट कचहरी की स्टेप पर जाते, और बहुत जल्दी अलग होना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सेवकाई में भी जिन्होंने अपने पत्नी को, विवाह की पत्नी को त्याग कर दूसरी शादी, तीसरी शादी, ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल्स भी लगाते, प्रॉफेट, अपोस्टल, ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे।
आपको उनके वरदानों को देखकर नहीं चलना है, आपको उनका जीवन देख के चलना है। मेरे पास थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति मुझे लगातार फोन कर रहा था और मुझे वो कह रहा था कि आप, मैं हर साल हमारे स्लम्स एरिया में रिवाइवल मीटिंग रखता था, बेदारी की सभा, आशीष की सभा, ओपन क्रूसेड रखता था और उसमें हर साल मैं नए नए प्रचारकों को मैं खुद इनवाइट करके हम सारे लोग मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन करके वो सभा चलाते थे ताकि उस स्लम में परमेश्वर का काम हो, लोग आए, चिन्ह चमत्कार, चंगाइयां, वचन, उद्धार उनका हो, इसलिए हम ये करते थे। तब एक व्यक्ति हमेशा मुझे कॉल करता था, इस व्यक्ति को बुलाओ। लेकिन मैं प्रार्थना करता था उस व्यक्ति के लिए, मुझे अंदर से अगुवाई नहीं होती थी कि इसको बुला। और मैं फिर सोचने लगा कि ऐसा क्यों है। मैंने उस व्यक्ति का पूरा बैकग्राउंड निकाला। वो व्यक्ति शायद आपके पहचान में होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। उसकी छत्तीसगढ़ में यहाँ वहां उसकी मीटिंग्स भी होती है वो बैंगलोर का। लेकिन उसका जब मैंने थोड़ा सा इतिहास या उसका बैकग्राउंड निकाला, तब मुझे पता चला कि ये व्यक्ति ने अपनी शादीशुदा पत्नी को और दो बच्चों को त्याग कर अपनी उम्र से 16 साल कम उम्र की एक युवती के साथ उसने शादी की। उसने अपनी पत्नी को त्यागने का कारण व्यभिचार का कारण नहीं था। जो अपने आप को सेवक कहता है, अगर वो अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप नहीं रख सकता है तो वो दूसरे को क्या सिखाएगा। आपको तलाक देना है तो तलाक के लिए यीशु मसीह ने कहा है व्यभिचार का कारण। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि ये कारण होने के बावजूद उन्होंने बड़े दिल से अपने पार्टनर को क्षमा करते हुए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए अपना जीवन आगे भी बढ़ाया है। खुदावन अगर नफरत करता है तो बाइबल कहती है कि खुदावन डिवोर्स से नफरत करता है, तलाक से नफरत करता है। आज ये सब बातों से कुछ लोगों ने एकदम इजीली लिया है और सेवकाई भी कर रहे, कामकाज भी कर रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ये लोग फेमस होंगे दुनिया की नजरों में, लेकिन खुदावन की नजरों में ये जीवो माइनस जीवो में है। भले उनकी सभाओं में अंधे देखते होंगे, लंगड़े चलते होंगे, लेकिन उनका ही जीवन अंधकार में, दूसरे को क्या बताए। वरदानों की सेवकाई कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन वचन की अधीनता की सेवकाई यीशु मसीह उससे प्रेम करता है, यीशु मसीह के नजरों में एक अच्छा मुकाम प्राप्त करता है। इसलिए आज इन दिनों में आपको देखना होगा कि क्या मैं किसका सुन रहा हूँ। आपको राजू ठाकुर का भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आपको प्रार्थना भी, ये बातें मांगनी भी चाहिए जो प्रचारक का मैं सुन रहा हूँ, क्या ये चरित्र में ठीक है, क्या कैरेक्टर में ठीक है क्या। क्योंकि खुदावन अच्छे कैरेक्टर को महत्व देता है। बाइबल कहती है बड़े धन से अधिक एक अच्छा नाम उत्तम है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये अधीनता के टॉपिक पर हम चल रहे। याकूब 4:7 कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, वो तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। आज अगर उसको भगाना है तो भगाने के लिए अधीनता जरूरी है। और अधीनता में आदर आता है, धीरज आता है, नम्रता आती है और इन बातों का तालमेल आता है। अगर ये सब बातें हमारे जीवन में अगर स्टेबल होगी, मेंटल होगी, बैलेंस होगी, तो यही बातें हमें अधिकारी बनाए। अब हम यहोशू के जीवन से देख रहे किस तरीके से वो मूसा की अधीनता में था और एक समय आया खुदावन ने खुद उसको अधिकारी बनाया। और यहोशू के जीवन से हमने देखा कि उसको परमेश्वर ने जो 10 अधिकार दिए या 10 बातें परमेश्वर ने उसके साथ की, जो हमने यहोशू का पहला अध्याय उसमें से देख चुके। अब थोड़ा सा उन 10 बातों को फिर से एक बार देखते हुए आप चलेंगे। यहोशू का पहला अध्याय और वचन 5-9 तक ये 10 बातें हमें देखती है। अब ये कब हुआ? जब मूसा प्रभु में सो गया, उसके बाद सारे लोग एक ही जगह पर थे, दुख में थे, उन परिस्थिति में खुदावन एक व्यक्ति को अधिकारी बनाता है, वो है यहोशू। उसे क्यों अधिकारी बनाता है, इसका कारण हम ऑलरेडी देख चुके। वो 10 बातें फिर से एक बार आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें से पहली बात यह है जो हमें दिखती है 5 वचन में, जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हालात, परिस्थितियां,
प्रॉब्लम तेरे सामने है, प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, आंधी तूफान आएंगे, बीमारियां आएंगी, सताव आएगा, लेकिन तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, तू मेरे नाम से उसका मुकाबला करेगा। नंबर दो पे वो कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। नंबर तीन पे कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। नंबर चार पे वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। नंबर पांच पे वो कहता है कि मैं जिस देश में तू जा रहा है, तेरे पूर्वजों से जो शपथ भी नहीं खाई है, वहां पर मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा इन लोगों का। नंबर छह पे वो कहता है तेरा सारा काम सफल होगा। नंबर सात में वो कहता है तू प्रभावशाली होगा। नंबर आठ में वो कहता है तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। नंबर नौ में वो कहता है तू भय ना खाना। और नंबर दस में वो कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर आकर यहोशु को ये बातें क्यों कह रहा है? यहोशु टूटा हुआ था अपने अगवे से अलग होने की वजह से। और हम देख चुके हैं कि ना तो गेर्शोम, ना तो कहाती, ना तो मरारी, ये मूसा के तीन बच्चे थे, उन्हें वो पद नहीं मिला, उन्हें वो अधिकार नहीं मिला। आज मुझे आपको एक बात बताना है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री में ब्लड रिलेशन को अधिक महत्व नहीं होता है, क्राइस्ट ब्लड रिलेशन को अधिक महत्व होता है। निश्चित मेरे बच्चे है, किसी पादवान के बच्चे, अगर प्रभु ने उनको चुना है, अगर प्रभु ने नियुक्त किया है, तो प्रभु उनको खड़ा करेगा। कभी कभी जज्बात में लिए हुए निर्णय धोखा मिलता है। जज्बात में बहकर बहुत सारे लोगों ने अपने चर्चेस में योग्य अगुओं को छोड़कर, कोई अगुए ने अपने ब्लड रिलेशन में, खून के रिश्ते में अपने बच्चों को अधिकारी बनाया, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि वो बच्चे उस लेवल में वो लायक नहीं थे। और उन्हीं बच्चों के कारण कलीसिया भटक गई, विश्वास से पीछे हट गई। इसलिए अगर मैं एक अगुआ हूँ तो मुझे जज्बात में निर्णय लेना, मतलब ये भी एक पाप है। मुझे प्रभु से मांगना होगा कि खुदावन मेरे बाद मेरी कलीसिया में कौन है? यहोशु। मूसा के बाद यहोशु कौन है? ये खुदावन ने ऑलवेज उसको बताया था, और उसके चलते खुदावन खुद आता है और यहोशु को ये बात बताता है। और बाइबल कहती है तब यहोशु इसराइल के पास जाकर कहता है, पास आकर परमेश्वर का, यहोवा का वचन सुनो। यहोशु 3:10 में हमें ये बातें दिखती है। यहोशु 1:10 में भी हमें ये बातें दिखती है कि तब यहोशु प्रजा के सरदारों के पास जाकर उन्हें आज्ञा देता है और उन्हें जाकर कहता है कि 3 दिन के भीतर हम यरदन के पार जाने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं आज एक रेवलेशन प्रचार करने वाला हूँ। यहोशु के द्वारा अधीनता से वो अधिकार में आया और एक अधिकार से उसने एक ऐसा काम किया जो प्रोफेटिकली, आज बहुत सारे लोग प्रोफेटिकली बात करते हैं ना, आज प्रोफेटिकली वचन कैसे आपके पास आता है और कौन सी चीजों को तोड़ता है और कौन सी चीजों को बांधता है, ये बात आप देखेंगे। बाइबल यहाँ पे कहती है ये सब होने के बाद जब यहोवा ने उसको कहा तू जहां जहां जाएगा देवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, इन बातों के बाद वो छावनी में आता है। छावनी में मातम का माहौल था, शोक का माहौल था। वो जाकर खड़ा होता है और कहता है चलो खड़े हो जाओ, 3 दिन के भीतर हमें यरदन के पार जाना है। और ये सब बातें होने के बाद फिर वो जब लोगों से बात करता है, मैं मेन पॉइंट पर लेके आना चाहता हूँ, लोगों से जब बात करता है पहले अध्याय के 16 वचन से आगे पढ़ेंगे, वहां पे 5 बातें लिखती है जो लोगों ने यहोशु को अपना अधिकारी बोलकर ग्रहण किया। लोगों ने ये नहीं कहा ए यहोशु तू कौन लग कर गया, हम तेरी बातें सुने। जब आप परमेश्वर के अधीनता में रहते हो, आपके अगवे के अधीनता में रहते हो, आपके बॉस के अधीनता में रहते हो, आपके परिवार के रिश्ते नातों के अधीनता में रहते हो, ऑटोमेटिकली आसपास के लोग आपको महत्व देना शुरू करते, ये बातें आज देखेंगे। बाइबल कहता है यहोशु 1:16 में तब उन्होंने यहोशु को उत्तर दिया जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी वह हम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, एक
एक अगवे को, एक परिवार के कुटुंब प्रमुख को, एक बॉस को ये बातें सुनकर बहुत हियाव मिलता है, बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जब परिवार के लोग कहते हैं, माँ बाप को, बच्चे कहते हैं, मम्मी पापा आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। जब चरवाहे को, जज के पास्टर को, जब कलीसिया के लोग कहते हैं, पास्टर जी आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। जब ऑफिस में बॉस को, जब एम्प्लॉय कहता है, बॉस आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है। यहोशु को यूं ही नहीं मिला, ये यहोशु को ये प्राप्त करने के लिए कीमत चुकानी पड़ी। यहोशु को ये सब बातों के लिए मूसा के और यहोवा के अधीनता में चलना पड़ा। इसलिए यहोवा के 10 बातें कहता है और लोग 5 बातें कहते हैं। उसमें से पहली बात यह है, जो तू करेगा कहेगा वो हम करेंगे। आगे देखो, जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आजकल के लोग घर के अंदर पानी मांगने के बाद भी कुछ लोग कहते तू तेरा ले ले, ये बातें क्यों है? क्योंकि परिवार में अधीनता नहीं। यहाँ पे एक बात दिखती है हमें, क्या कहते हैं लोग, यहोशु, शायद यहोशु उनके सामने का नया लीडर था, लेकिन उन्होंने जाना कि ये अपने लीडर और लीडर का परमेश्वर यहोवा उसके साथ ईमानदार, वफादार, आदर करने वाला, धीरे से चलने वाला, नम्र जीवन जीने वाला। इसलिए वो क्या कहता है, तो क्या कहते लोग, जहाँ तू भेजेगा वहाँ जाएंगे, जो तू कहेगा वो हम करेंगे। आगे देखो, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरा भी माना करेंगे। उन्होंने मूसा के लेवल पर उसको इज्जत दी। इज्जत ऐसे नहीं, कुछ लोग मार तोड़ कर इज्जत प्राप्त करने की कोशिश करते, इसलिए कहते क्या मास्टर जी बहुत बड़े लगकर गए क्या, मैं भी हूँ ना, मेरी प्रार्थना से भी भूत निकलता है, मैं भी बड़े बड़े प्रचार करता हूँ, मेरे प्रार्थना से भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते, मेरा भी मानो। लोग जबरदस्ती कहते मानो, ये नहीं होना चाहिए। लोगों ने आके कहना चाहिए हम आपका मानेंगे, हम आपका सुनेंगे, जहाँ आप हमें भेजेंगे हम वहाँ जाएंगे। ये है लोगों के पास से मिलने वाला फेवर। आज लोग जबरदस्ती ये फेवर लेना चाहते, मेरा सुनना ही पड़ेगा, मेरा करना ही पड़ेगा, मैं जो यहाँ भेजूंगा वहाँ जाना ही पड़ेगा। अधिकार इस तरीके से काम होता है। लोग आकर कहते तू बोलेगा ना वही करेंगे, तू भेजेगा वहाँ पर हम जाएंगे, जैसा मूसा का मानते थे वैसा तेरा भी मानेंगे। आगे देखो, इतना ही क्या, तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता है वैसा ही तेरे संग भी रहे। वाओ, लोग यहोशु को बड़ा दिल करते हुए दुआएं दे रहे। दुआएं ले लो लोगों के, बस दुआएं मत लो। अगर आप आपकी कलीसिया से अलग होना चाहते हो, अलग मिनिस्ट्री करना चाहते हो, अपने अगवे से अलग, कुछ लोगों का भी दर्शन बहुत होते क्या कहते हैं, मैं इसलिए अलग हो गया क्योंकि मेरा अपना अलग दर्शन है। अरे तेरा अलग दर्शन है इसका मतलब तेरा अलग परमेश्वर है। एक परमेश्वर है जो दर्शन देता है, उसमें मतभेद नहीं होते, पार्शियलिटी नहीं होती है। अलग क्यों हुआ मैं, एक व्यक्ति को मिला, मुझे कहा कि मुझे आपको बुलाना है। मैंने उसको कहा तू पहले कहाँ चर्च जाता था, फलाने फलाने जगह, उसको क्यों छोड़ा? वो कहता है नहीं, उनका दर्शन अलग है, मेरा दर्शन अलग है। मैंने उसको कहा अगर तेरा दर्शन अलग है इसका मतलब तेरा खुदा अलग है, और ऐसे अलग खुदा की सेवकाई करने वाले के पास मैं जाकर प्रचार नहीं करूंगा। सॉरी, आज लोग ये जो प्रोफेटिकली दुनिया में चल रहा है दर्शन दर्शन दर्शन, आज पापियों को भी दर्शन हो रहा है, पोर्नोग्राफी में गिवे में लोगों को दर्शन हो रहा है, गंदी गंदी गालियां देने वाले को भी दर्शन होता है। ये दर्शन होता है, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह दो प्रकार की बातें हमें बताता है। पौलुस हमें बताता है कि अन्य यीशु, आपको अन्य यीशु का दर्शन है, या आपको परमेश्वर का पुत्र जेन्युइन यीशु का दर्शन है। यहाँ पे क्या कहते हो लोग, दुआएं दे रहे, अपने अगवे को दुआएं दो। अगर आपको अलग होना है ना, अगर आपको परिवार से अलग होना है ना, तो बैठकर सलाह मशवरा करते हुए ये बातों को नम्रता से समझाते हुए
किसी के मन में आपके खिलाफ कड़वाहट ना आए, ना आपके मन में किसी के खिलाफ कड़वाहट आए। ये सब कड़वाहट को निकाल कर एक अच्छा रास्ता चुनकर प्रेम से अलग हो जाओ। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग गुस्से से अलग होते, घमंड से अलग होते, अहंकार से अलग होते। इनकी सेवकाई, इनका परिवार, इनका बिजनेस, इनकी नौकरियां कुछ दिन तक ले चलेगी, उसके आगे नहीं। अगर आप आपके अगुवे की अधीनता में रहोगे तो वह अगुवा हमेशा आपके लिए दुआ में याद रखेगा। अगर आपके माँ बाप को दुखी करते हुए अगर आप घर संसार बसाओगे, आप कभी सुखी नहीं होगे। आपको उनकी खुशी को भी देखना है, उसी के साथ साथ पहले पिता परमेश्वर की खुशी को देखना होगा। क्या मैं उसको खुश कर रहा हूँ? इस टॉपिक को मैं बहुत लंबा लेकर जाने वाला हूँ। जितना प्रभु डीप लेकर जाएगा उतना डीप में जाएंगे। मैं रियलिटी बेस पर आपको बता रहा हूँ चीजों। यहाँ पे पांचवी बात वो कहते हैं, कोई क्या क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे। देखो बलवा शब्द आया है, बगावत। और जितनी आज्ञा तूने दी तू दे उनको ना माने तो वो मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। पांचवी बात क्या है पता है? यहोशु को कह रहे कोई तेरे खिलाफ बलवा करेगा ना उसको मार दिया जाएगा। ये अधिकार कैसे मिला? परमेश्वर 10 बातें कहता है, लोग 5 बातें कह रहे। वो 5 बातों में क्या है? कितना बड़ा आदर है। धन दौलत नहीं दे रहे वो लोग यहोशु को, लेकिन जो आदर दे रहे, जो सम्मान दे रहे, जो उसकी अधीनता में। देखो यहाँ पे जो लोग है ना वो यहोशु की अधीनता में आ गए। मैं आपको बात बताऊं क्या? अगर आप आपके अगवे की अधीनता में नहीं हो ना तो आपके अधीनता में भी कोई नहीं रहेगा। अगर आप आपके अगवे का आदर नहीं करते हो ना तो आपका आदर भी कोई नहीं करेगा। अगर आप आपके माँ बाप का आदर नहीं करोगे ना तो आपके बच्चे भी आपका आदर नहीं करेंगे। अगर आप ईमानदारी से आपके बॉस के या काम नहीं करोगे ना तो आप जब बॉस बनोगे तो आपका भी कोई नहीं सुनेगा। ये रूल है सबके लिए। ये लोग क्या कहते हैं? जो तू कहेगा वो हम करेंगे, जहां तू भेजेगा वो हम जाएंगे, जो बातें बोलेगा उसको हम सुनेंगे। जैसे मूसा के साथ ये हुआ था वैसे तेरे साथ रहे, और कोई तेरा बलवा करेगा तो उसको हम मारेंगे, लेकिन तू दूर रहे। आमीन। एक लीडर को अगर ऐसे लोग मिलेंगे तो वो लीडर कभी पीछे नहीं हटेगा, वो लीडर हमेशा उस मुकाम पर पहुंचेगा। बड़े बड़े लीडर्स जो इस दुनिया में से, इवन हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, इतिहास उन्होंने रचा, उन्होंने जो युद्ध जीते, उन्होंने जो किलों को जीता, उन्होंने जो शून्य से मराठा साम्राज्य बनाया, इतिहास बताता है। लेकिन उनके पास अच्छे अगवे, उनके पास अच्छे अधीनता में रहने वाले लोग थे, उनके आज्ञाओं का पालन, उनके एक शब्द पर जान देने के लिए तैयार थे। मुझे एक कहानी याद आती है, सच्ची घटना, सत्य घटना। हमारे महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास एक बड़ा किला है, उसका नाम है पनाड़ा। वो किले के पास एक ऐसी जगह है किले के नीचे, और वो एक ऐसी गैप है जहां पर एक व्यक्ति ने युद्ध लड़ा, उसका नाम है बाजी प्रभु देशपांडे। जब शिवाजी महाराज उस युद्ध के लिए थे तो बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा कि महाराज आप ऊपर जाओ, मैं इस जगह पर जब तक आप सही सलामत नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं लड़ता रहूंगा। और इतिहास ये कहता है बाजी प्रभु देशपांडे का उसका सर उड़ा दिया गया था मुगलों के द्वारा, लेकिन सर उड़ने के बाद भी उसका शरीर युद्ध कर रहा था। और ऐसा कहा जाता है वहां पर महाराज जब किले के ऊपर सही सलामत पहुंचने के बाद जब रणसिंघा फूका गया तब वो देह नीचे गिर गया। उनका पुतला अभी भी लगाया हुआ है। बाजी प्रभु देशपांडे एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने अगवे के अधीनता में था, इसलिए अगुआ ऊंचे पायदान पर पहुंचा। अगर आपको लगता है भले हमें कोई हमारे कामों का अच्छा सिला दे या ना दे, हमारे अच्छे काम ऊपर लिखे जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल मलाकी 3:16 में ऐसा कहता है परमेश्वर का भय रखने वालों का खुदावन कान लगा के सुनता है और उनके लिए जो भी बातें स्वर्गदूत लिखते हैं एक नोटबुक है वहां पर लिखने की। आमीन, हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर जी आप बहुत आज सिंपल वे में आप बता रहे हो,
ये सिंपल वे क्यों बताना चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है पता है, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कहे कि आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, जहाँ भेजेंगे हम वहां जाएंगे, हम जैसे मूसा का मानते थे वैसा आपका भी मानेंगे। परमेश्वर आपके साथ हो, आपके खिलाफ कोई बलवा ना करे। एक परिवार के जो मेन व्यक्ति है उसको ये बहुत बड़ी बात है, और ये इज्जत ऐसी नहीं मिलती। इज्जत 2 मिनट में गवा सकते, इज्जत प्राप्त करने के लिए बहुत एड़िया रगड़नी पड़ती है, बहुत घुटनों पर आना पड़ता है, बहुत नम्र होना पड़ता है। कुछ लोगों को सब इजीली मिलता है ना, इसलिए उनको कदर नहीं होती है। शायद आपके पास पास रेवरेंड डॉक्टर नवीन टाटके साहब, उन्होंने माऊ के अंदर मध्य प्रदेश में जो मेहनत की है उसका नतीजा आप लोग प्रभु में बने हैं। शायद उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा जिसका प्रतिफल आज वो पा रहे हैं। आप खुदावन को धन्यवाद दो कि आपको एक ऐसा अगुआ मिला है जो आपको यीशु मसीह के जैसा बनना सिखाता है। हालेलुया। उनके प्रचार भले मैं ऑनलाइन नहीं सुनता हूँ लेकिन ऑफलाइन सुनता हूँ, लेकिन मैं ब्लेस होता हूँ। आज दुनिया में बहुत सारे लोग आपको ये मिलेगा वो मिलेगा इसका प्रचार करते, लेकिन एक सच्चे प्रचार की पहचान क्या है, वो आपको यीशु की तरह बनने के बारे में सिखाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये सब होने के बाद आगे जो 15 मिनट बचे, 15 मिनट में कुछ बातों की और गहराई में जाएंगे। ये सब होने के बाद बाइबल कहती है यरीहो का भेद निकालने के लिए यहोशू जासूसों को भेजता है। अब आपको पता है कि वहां पे राहब नाम की वो एक स्त्री के साथ उनका सामना होता है, वहां पर वो छुपते, वो उनको छुपा कर रखती है। फिर उसके बाद यरीहो से ये लोग लौट कर आते हैं। लौट कर आने के बाद यहोशू के 3 अध्याय में बीजे नाम चलेंगे। बाइबल कहती है यहोशू सवेरे उठा और सब इसराइलों को साथ लेके सित्तीम से कुछ करते हुए यर्दन के किनारे आया। कहा आया? यर्दन के किनारे। और वे पार उतरने से पहले वही टिक गए। 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तक तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाने वाले लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अब तक तुम जिस मार्ग पर होकर नहीं चले, ऐसे मार्ग में खुदावन इस 2021 में आपको और मुझे चलाएगा। कब चलाएगा? अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का और अपने अगुए के आज्ञा का पालन करते हुए चलेंगे तो यर्दन के किनारे। यर्दन का मतलब है मृत्यु। यर्दन का दूसरा मतलब मैंने देखा, परीक्षा, एग्जाम। आप और मैं यर्दन के किनारे, मृत्यु के किनारे, परीक्षा के किनारे, अगर आपको और मुझे यर्दन को पार करके जाना है, मृत्यु से पार होकर जाना है, परीक्षा से पार होकर जाना है, तो आपको और मुझे खुदावन की आज्ञा और अपने अगुए की आज्ञा का पालन करना होगा। आमीन। यहाँ पे यहोशू कहता है अब तक तुम जिस मार्ग से नहीं गए उस मार्ग से तुम जाओगे। अब तक ये वे लोग थे, ये सारा यंग जनरेशन था जिन्होंने शायद लाट समंदर फटने की बात सुनी थी, लाट समंदर 2 हिस्से में कटने की बात सुनी थी, लेकिन उन्होंने अनुभव नहीं किया था। ये सारे कम उम्र के लोग थे, हमने देखा है उसके ऊपर ऑलरेडी, जो 20 साल की आयु से कम उम्र के थे। केवल 2 लोग पुराने थे, कालेब और यहोशू, जिन्होंने लाट समंदर फटते देखा था। अब ये नया जनरेशन, उनको बताया जा रहा है तुम्हारा पूर्वज लाट समंदर पार है, उन्होंने लाट समंदर को फटते हुए देखा है, अभी तक तुमने नहीं देखा वो बात। कौन सी बात? यर्दन फटने वाली बात।
मृत्यु दो हिस्से में होने वाली बात, परीक्षा दो हिस्से में होकर उसी के भीतर से यहोवा तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। जो अनुभव आपने नहीं दिया वो अनुभव देखने वाली बात। आमीन, हालेलुया। देखो आगे क्या कहता है वचन। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। मेरा सवाल है इस वचन पे, क्या यहोवा ने यहोशू को कहा था मैं तेरे मध्य आकर आश्चर्य कर्म करूंगा? फिर ये बातें कैसे क्या बोल रहा है यहोशू? ये वही बात हो गई, जब अधीनता में आते हो ना तो परमेश्वर का आत्मा अधिकार बताता है, परमेश्वर क्या करेगा ये बातें प्रकट करता है। प्रोफेटिकली यहाँ पे एक प्रॉफिट के जैसे, आजकल के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको बताएंगे आपके गाड़ी का रंग कौन सा है, आपको बीवी कैसी मिलेगी, आप विदेश जाओगे कि नहीं जाओगे, आजकल के ये भौतिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रॉफिट के बारे में नहीं कह रहा हूं। यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट जोशुआ, अब उसकी भविष्यवाणी कैसी पूरी हुई ये भी बात हम देखेंगे। उसने कहा अपने आप को पवित्र करो, कल यहोवा आपके बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। देखो, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। अभी सवाल ये आता है, क्या ये सारी बातें, ये दूसरे पॉइंट पे, क्या यहोवा ने यहोशू को बताई क्या, याजकों को खड़ा कर वाचा का संदूक ले ले, नदी के अंदर चला जा, ये बातें बताई थी क्या? क्यों नहीं, यहाँ पे लिखित स्वरूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन निश्चय जिसके साथ वो जुड़ा था, जिसकी अधीनता में था, जो अधिकार उसको दे रहा था, वो आगे जाके क्या कहता है देखो। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। और ये सारा बगावत करने का जो, खिलवाड़ करने की जो बात है ना, किसलिए पता है? प्रशंसा मुझे भी मिले। कितने दिन मेरा पास्टर ही प्रशंसा लेगा, कितने दिन मेरे माँ बाप ही प्रशंसा लेंगे, मुझे भी प्रशंसा चाहिए। कितने दिन मेरा बॉस प्रशंसा लेगा, मुझे भी प्रशंसा चाहिए। आपका समय जब आएगा ना, तब खुदावन लोगों के सामने आपकी प्रशंसा करेगा। कैसे करेगा? बोल के नहीं, आश्चर्य कर्म करते हुए, चिन्ह चमत्कार करते हुए, बड़ी बड़ी चंगाइयां करते हुए, बड़े बड़े काम करते हुए जब आप अधीनता में रहोगे। बाइबल यहाँ पे कहती है, यहोवा कहता है, इसराइलियों के सम्मुख मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। कहां पर? यर्दन से शुरुआत होगी। आपको और मुझे यर्दन के पास आना होगा, आपको और मुझे अपनी यर्दन खोजनी होगी। मुझे आपको बताना है, यर्दन का सामना जिन जिन लोगों ने किया है उनके जीवन में अद्भुत काम हुए। यर्दन का सामना यहोशू ने किया, यर्दन का सामना अलीशा ने किया, यर्दन का सामना इतना ही नहीं हमारे यीशु मसीह ने किया, और यर्दन पार करके एक सेवकाई की शुरुआत किया। जिन जिन लोगों ने यर्दन को पार किया उन उन लोगों ने एक टॉप लेवल की मिनिस्ट्री किए। आज बहुत सारे लोग यर्दन के तीर के ऊपर है, यर्दन के पास है, और वहां पर ही वो जादू के काम करना चाहते, प्रचार करना चाहते, बड़े बड़े काम करना चाहते। आपके अगुवे के अगुवाई में रहते हुए यर्दन को पार करो, तब जाके खुदावन आपको एक बड़ी सेवकाई में लेकर जाएगा। उस यर्दन के पास तुम्हारा मेरा उद्धारक परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य के सामने, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के सामने नम्र हो गया, इसलिए आसमान से वाणी आई, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस विषय में मैं संतुष्ट हूँ। आमीन। उसी यर्दन में पवित्र आत्मा उतर कर आया, और उसी यर्दन से निकलकर वो 40 दिन 40 रात उस परीक्षा के जंगल में चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके और मेरी यर्दन आज हमारे सामने, आज वहां पर हमें नम्रता से उसको पार करना है। परमेश्वर कहता है, इसराइलों के सम्मुख मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था
वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। हालेलुया। लोग अपने अपने बारे में बड़ी बड़ी डिंग मारते, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये लोग जो डिंग मारते ना, ये अपनी बनाई हुई, जो अपने आप खुद खींच कर आए हुए लोग है। लेकिन जब खुदावन लाता है ना, तब वो खुद अपनी डिंग नहीं मारता है, लोग उसके बारे में बात करते, लोग उसके बारे में चर्चा करते। परमेश्वर कहता है कि मैं जैसे मूसा के संग था, वैसे यहोशू तेरे संग रहूंगा। क्यों? क्योंकि तू मूसा की अधीनता में था, मेरी अधीनता में था, इसलिए मैं तुझे इस्तेमाल करता हूँ। बाइबल यहाँ पे कहती है, तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वो तुम्हारे सामने इसे निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिवियों, परिज्जियों, गिलगशियों, अमेरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। और सुनो, पृथ्वी घर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है, इसलिए अब इसराइल के गोत्रों में से 12 पुरुष में से चुन लो, और एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो, जिससे समय पृथ्वी भर के यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले याजक के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। यहोशू, बहुत बड़े वचन मैंने पढ़े यहाँ पे। क्या कह रहा है? याजक चलेंगे, तुम उसके पीछे चलना। उनके पैर यर्दन के पानी में जैसे डूबेंगे, वो कहता है पानी यर्दन का ऊपर का पानी बहता हुआ एक जगह पे थम जाएगा, ठहरा रहेगा। ये बात यहोशू को यहोवा ने बताई थी क्या? नहीं। जब आप अधीनता से अधिकार में आते हो ना, जब आप बोलते हो ना, बहुत सारे लोग टीचिंग देते हैं ना, पावर ऑफ टंग। पावर ऑफ टंग कब एक्टिवेट होता है पता है? जुबान का सामर्थ कब एक्टिवेट होता है पता है? आप बोलोगे वैसा चमत्कार कब होता है पता है? जब आप एक ही समय खुदावन के और मनुष्य के अधीनता में रहते हो, तब आपके जुबान को कीमत दी जाती है। कायनात आपकी बातें सुनकर आपकी आज्ञाओं का पालन करती है। देखो आगे क्या हुआ। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरे से यर्दन पार जाने के लिए कूच किया, और याजक वाचा के संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, संदूक उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के तीर के जल में डूब गए। यर्दन का जल कटने के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वो बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया, और दीवार सा उठा रहा। और जो जल आराब का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, और वहाँ पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यबियों के सामने से पार उतर गए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वो रेवलेशन है जो मैं 5 मिनट में बताकर खत्म करूंगा। धन्यवाद यीशु। आप कहेंगे, आप यहोशू को प्रॉफिट कैसा कहते हो? यहोशू को प्रॉफिट इसलिए कहता हूं, यहोशू ने यहां पर भविष्यवाणी की। वो भविष्यवाणी क्या है? कि यर्दन का जल 3:13 यर्दन का ऊपर से बहता हुआ, ऊपर से आने वाला, वो एक ही जगह पे ढेर हो जाएगा। और जो हमने देखा कि यर्दन को बाढ़ आई जैसा पानी आया हुआ है, बड़े पैमाने में पानी है। जैसे याजकों के पैर पानी में डूब गए, बाइबल कहती है एक जगह पर एक नाम लिया गया है, और वो नाम है आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, वहां पे रुककर ढेर हो गया। जैसे लाल समंदर फटा या ऐसा नहीं फटा, लाल समंदर जब फटा तब दोनों हिस्से में पानी दीवार के जैसे था, लेकिन यहाँ पे जहां से बहाव था, वो बहाव का पानी दीवार के जैसे खड़ा हो गया, और जो बचा हुआ रिमेनिंग वाटर जो है, वो बहकर
एक नाम लिया गया है अराबा का ताल, मतलब अराबा नाम के वो क्षार समुद्र में चला गया, बहकर पूरा चला गया। मतलब आदम नगर से आगे जो पानी नदी बहती थी वो पूरी तरह से सूख गई। कभी बाढ़ के समय में पानी ऊपर से बह रहा था, उस समय में वहां पे पानी रुक गया। नाम है आदम नगर। ये हमारे लिए क्या दर्शाता है? जब हम यरदन में आते, जब हम अपने आप का इनकार करते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ, पौलुस कहता है कि मैं भी उसके साथ सूली पे लटका हुआ हूं, अब मैं नहीं जीता हूं, मैं मर गया हूं, मेरे अंदर वो जीता है। अपने आप का इनकार करने, अपने आप को मारना, अपनी इच्छाओं को मारना, दुनिया की बातों के लिए मारना, ये मृत्यु की यर्दन जब हम पार करते ना, तब क्या होता है पता है? हमारे आदम से आए हुए श्राप एक ही जगह पे रुक जाते हैं। कौन से? सुनो, हमारे पीढ़ियों से आए हुए श्राप वो एक ही जगह पे रुक जाते हैं, श्राप टूट जाता है। अब जो चालू समय में, मतलब इस जिंदगी में शायद कुछ श्राप है, वो बहकर दुनिया, अराबा के, अराबा को नाम दिया है दुनिया, उसका मतलब दुनिया, अराबा के उस खारे तल में वो बहकर खारा, मतलब पीने योग्य नहीं। हमारा जीवन जो कुछ बातों से खारा हुआ है, पीने योग्य नहीं है, वो हमारे जीवन से बहकर चला जाएगा। और जो श्राप वो उधर रुक कर एक ही जगह पे खड़े हो जाएंगे, जो हमें छुएंगे नहीं। आदम नगर से वो श्राप टूट गया और अराबा के खारा ताल में जो भी बचा हुआ था वो बहकर चला गया, उसमें से इसराइल लोग चलकर चले गए। मैं इसको प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूं, क्या आज आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें? आइए यर्दन के पास, आइए यर्दन के पास, आपके जीवन में उस परीक्षा के पास आइए, परीक्षाओं से भागो मत। शायद आपको किसी ने भविष्यवाणी की है कि आपके परिवार के सात पीढ़ियों के शाप, उनको कहना गलातियों 3:14 के अनुसार मेरे सारे शाप यीशु मसीह ने तोड़ दिए, वो खुद शापित बना, क्योंकि वो यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री के सेवकाई यर्दन से करता है। और वही यर्दन हमें यहोशू के जमाने में दिखती है। आज बहुत सारे लोग इसराइल में यर्दन का बपतिस्मा लेने जाते, जिनका बपतिस्मा इंडिया में हुआ है, लेकिन वो स्पेशल बैप्टिज्म के लिए इसराइल में जाते। ये केवल एक प्रकार से जैसे एक पवित्र तीर्थ स्थान का स्वरूप जो लोगों ने दिया है वो हमको देने की, जो ये सारी ट्रेडिशनल बातें हमको फॉलो नहीं करनी है। आपका बपतिस्मा आपके गांव में, शहर में हुआ है, इनफ। यर्दन के बपतिस्मे के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जाओगे। यर्दन के पास आना मतलब अपने आप का इनकार करना, अपने आप को मारना। पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता हूं, कुचलता हूं, मेरे शरीर को मैं दास बना के रखता हूं। यर्दन के पास आना मतलब शारीरिक दैहिक बातों को कुचलना और आत्मिक बातों को ऊंचा करना। बाइबल यहां पे कहती है आदम नगर के पास पानी रुक गया, आदम से आए हुए शाप। जब आप यर्दन पार करते हो, अपने आप का इनकार करते हो, मैं यहां से आगे मैं मेरा नहीं हूं, मेरे अंदर मैं नहीं, तो मेरे अंदर यीशु है, मैं मेरे लिए नहीं जीऊंगा, यीशु के लिए जीऊंगा, मैं जो था वो मर गया। बपतिस्मा का मतलब पानी में गाड़ा जाना, पुराना जीवन खत्म करके पुनरुत्थान के सामर्थ्य से नए जीवन से बाहर आना। केवल डुबकी मारना नहीं, यहाँ पे आदम नगर के पास पानी रुक गया, आदम से आए हुए शाप आपके जीवन में जब तक काम करेंगे, जब तक हम आपके आप को मारोगे नहीं, जब अपने आप का इनकार करोगे, आदम के आने वाले शाप रुक जाएंगे और जो जीवन में चलने वाले शाप वो बहकर अराबा के खारा ताल में चले जाएंगे। संसार में जो आपके जीवन में वो बहकर चला जाएगा और आप सूखी भूमि पर से प्रतिज्ञा के देश में कदम रखोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहां पे कहती है याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और इजरायली स्थल ही स्थल पर पार उतरते रहे। अंत में सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए। हालेलुया, एक व्यक्ति के अधिकार में ये महान काम हो गया। क्यों? अधीनता अधिकारी बनाता है, अधिकारी
महान काम करता है। अगर आपको इस लेवल पे आना है तो आजीजो आपको यहोशु से कुछ सीखना है और बहुत सारी बातें हम यहोशु के जीवन से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे यहोशु के साथ 10 बातें खुदा करता है, 5 बातें लोग करते हैं। अब यहोशु जो बोलता है वो होता है, क्यों? क्योंकि अधीनता अधिकार देता है। आज अगर आप अधीनता में नहीं हो, आपके परिवार की अधीनता में नहीं हो, आपके कामकाज में आप अधीनता में नहीं हो, आप सरकारी नियमों के अधीनता में नहीं हो, आप चर्च के अधीनता में नहीं हो, तो आपका मसीह जीवन बेकार है। अगर आप इन सब क्षेत्रों में अधीनता में हो तो आपका मसीह जीवन एक दिन ऐसा होगा जो आप बोलोगे वैसा होगा। बहुत सारे लोग जुबान के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं। ये जुबान का सामर्थ्य कब काम करेगा? जब ये जुबान किसी का आदर करेगी, जब ये जुबान धीरज से कुछ बातों के ऊपर कंट्रोल रखेगी, जब इस जुबान से नम्रता छलकेगी, तब जाके अधीनता अधिकारी बनाएगी, अधिकारी महान काम करेगा। हालेलुया। बहुत अद्भुत बातें यहाँ पर भी दिखती है। वहां पर तो वो पार हो गए, लेकिन मैं इसको सोचता हूँ क्या हुआ जब हम भी यर्दन का सामना करते, हम भी परीक्षाओं से गुजरते, तब हमारे शाप रुक जाते और बहने वाले शाप बहकर चले जाते, भूमि सूखी हो जाती है और बाढ़ की स्थिति में लोग डरावनी हालत में रहते, लेकिन आप और मैं उसी अधीनता के द्वारा अधिकार के साथ महान काम करते हुए बाढ़ के समय में सूखी भूमि पर से हमें यहोवा यशुआ पवित्र आत्मा में चलाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल मैसेज था और एकदम स्लोली मैंने प्रचार किया है, स्लोली आपको बताया है। आपको अभी निर्णय लेना है, क्या मैं अभी भी बगावती जीवन जी रहा हूं, विद्रोही बन रहा हूं, अभी भी मैं ना परिवार की अधीनता में हूं, ना कामकाज में ईमानदार हूं, ना चर्च में मैं ईमानदार हूं, ना अधीनता में हूं। पत्नियों, बाइबल आपको कहती है जैसे आप प्रभु के अधीन वैसे अपने अपने पति के अधीन हो जाओ, एक दूसरे के अधीन हो जाओ। जब ये करोगे तो ये बातें आपको आशीष देगी। अधीनता अधिकार देता है, अधिकार महान काम करता है। कोई भी व्यक्ति आएगा और कहेगा मैं पुलिस वाला हूं और आपको डंडा मारेगा, आप सुनोगे? उसकी वर्दी बताती है कि हाँ ये पुलिस वाला है। आपको अंधकारिक शक्तियों को अगर भगाना है, याकूब 4:7 के अनुसार आपके अंदर वो अधीनता का जब चोला अधिकार का पहनते हो तो ये चोला शैतान को आपके सामने से भगा देता है। ये शैतान किसी भी टाइप का हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हो, फैमिली प्रॉब्लम का हो, पर्सनल प्रॉब्लम का हो, मिनिस्ट्री प्रॉब्लम का हो, किसी भी टाइप का हो, वो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा अगर आप अधीनता में जीवन जीते हो। बहुत अद्भुत बात है। बहुत सारे लोग बीच में से ही उनकी गाड़ी गड़बड़ा जाती है, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और उनको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सॉरी, मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी कलीसिया से एक बड़ी भीड़ बलवा करते हुए चली गई, लेकिन आज वो कहीं पर भी जमा नहीं है। लेकिन जो लोग आज साथ में, मैं आज जिस अगुए के पास मेरा उद्धार हुआ है, मैं आज भी उस अगुए का आदर करता हूँ। भले उस अगुए के बारे में लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन मैं उसका आदर करता हूँ। मुझे पता है अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा कोई आदर नहीं करेगा, मुझे अधिकार नहीं मिलेगा। आपको अधीनता में रहना बहुत जरूरी। चिन्ह चमत्कार अधीनता में रह के बहुत बड़े पैमाने में होते हैं। आपका कान खींचने वाला कोई होना चाहिए, आपका आत्मिक पिता भी आपका कान खींचे और आपका स्वर्गीय पिता भी वचन के द्वारा आपका कान खींचे, इसलिए अपना कान उसकी ओर लगाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषित करे। अगर इस संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे और अधीनता से अधिकारी बनाए और अधिकारी से महानता के लेवल में महान कामों के लिए खुदावन आपका चुनाव करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।